हत्या, लूट, आगजनी जैसी दर्जनों हिंसक घटनाओं में शामिल पांच नक्सलियों ने बौधली कैंप पर एसपी अभिषेक पल्लव और सीआरपीएफ डीआईजी डीएन लाल के सामने सरेंडर किया है। ये सभी नक्सली लोन व रातू अभियान से प्रभावित हुए थे। सभी नक्सली लंबे वक्त से इंद्रावती दल्लम में सक्रिय थे। सरेंडर नक्सलियों में से जगदीश पर 3 लाख का इनाम, दिनेश पर 1 लाख और लच्छू पर 1 लाख का इनाम घोषित था। बहुत बड़ा काम किया है हम लोगों ने, खासकर इस इलाके में पहुंच बनाने में फील्ड पुलिस के और स्थानीय प्रशासन की काफी 195 बटालियन है यहाँ पे, जिसके कमांडर श्री राकेश कुमार सिंह। हम लोगों ने ये रोड और ये पीछे जो कैंप बना पुष्पाल में, वो तो कैंप स्थापित हुआ, ये बुदली कैंप जो स्थापित हुआ है, यहाँ तक हम लोग हमेशा आए। और जब कैंप स्थापित हुआ था तब भी 8-10 दिन इसी जगह रह के और हम लोग कैंप को स्थापित कराया, तभी फिर वापस कैंप में गए। अभी भी ये जो रोड बन रहा है उस पर ऑलमोस्ट डेली सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग। 3 इनामी नक्सली, एक LOF डिप्टी कमांडर और 2 LOF सदस्य आज सरेंडर हुए। इन लोगों ने मुख्य धारा में जुड़ के अपने जगह के विकास की बात की है। वहाँ पे कोई स्कूल संचालित नहीं होता नदी के उस पार, न तो हॉस्पिटल चलते हैं, न तो आंगनवाड़ी चलती है, न तो रोड बने हुए हैं, बिल्कुल देश दुनिया से कटे हुए। वहाँ के ग्रामीण जो हैं पुलिस से जुड़ रहे हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं, और ग्रामीणों के साथ का ही कारण है कि जो 7 धार से लेके 10 किलोमीटर गोदली तक सड़क बनी है, टोटल 32 पुलिया बने, 21 पुलिया मालेवाही से लेके गोदली के बीच में और 11 पुलिया उससे पहले, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है रिकॉर्ड टाइम में।